प्रदर्शन भवा हड़ताल हुआ। इस वक्त ग्राम सभा छोटा दुसहा में खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क को जाम कर दिया गया है और पीछे एक बस खड़ी है और तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं जो जो है निकल नहीं पा रही हैं। कारण ये है कि इस गांव में जो सरकारी वादे किए गए विकास के वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ के ग्रामवासियों ने एक चक्का जाम किया है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे चक्का जाम है क्यों। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। क्यों आप चक्का जाम कर रहे हैं? ये जो है जल निकासी की समस्या है जिसको 21 सितंबर 2018 से जिलाधिकारी को लिखित रूप से लगातार दिया जा चुका है, तहसील समाधान दिवस में दिया जा चुका है, कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर ज्ञापन के तौर पे दिया जा चुका है, लेकिन प्रशासन का एक आदमी नींद से जाग नहीं रहा है, इसलिए मजबूर होकर के आज। और ये जानकारी यहाँ के लोकल सांसद और विधायक को भी है जो वर्तमान में है, उन्होंने भी एक बार इसके लिए देखने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में तकलीफ ग्रामवासियों को है कि नहीं है या क्या तकलीफ है। इसके ये जो रास्ता है यहाँ से जो पानी नहीं निकल रहा है, इसके अलावा क्या समस्याएं हैं? इसके अलावा पूरे गांव में गंदगी की समस्या है। ये रोड अभी 2 महीना पहले बनी थी, टूट गई है। इस रोड पे अभी ये ईंट बिछा करके लोग आ जा रहे हैं। ये इस रोड पे एक स्कूल पड़ता है और स्कूल में 2000 से अधिक बच्चों की संख्या है जो रोज इस रास्ते से होकर के जाते हैं। लेकिन इस समस्या के समाधान में हमने जिलाधिकारी महोदय को लिखित रूप से कई बार दिया, जांच कराने की वो जरूरत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये रोड जो है किसी नेता विधायक या किसी सांसद के करीबी ने बनवाई होगी। प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, उस पर लिपा पोती करके काम खत्म कर दिया जा रहा है। आज ग्राम सभा दुसहा में करीब 2 घंटे पहले से कुछ ग्रामीण जो है इस बात को लेकर नाराज थे कि यहाँ जो गांव का मुख्य अप्रोच रोड है उसमें करीब 6-7 महीने से पानी लगा हुआ है। तो यहाँ आने के बाद ये पता चला कि मुख्य तौर पर ये काम जो है ग्रामीण विकास विभाग का है। तो यहाँ पर इस समस्या को देखते हुए तो यहाँ के खंड विकास अधिकारी महोदय हैं और जो पंचायत सेक्रेटरी है उनको निर्देशित कर दिया गया है ग्राम सभा के फंड से जो है इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण करा लिया जाए और एक टेम्पररी व्यवस्था के तौर पर कुछ सफाई कर्मी की टीम लगाकर इस पूरे सड़क को साफ करवा दिया जाए और इस पे दवाई का छिड़काव करा दिया जाए। और दूसरी समस्या थी कि जो ये पानी जमा हुआ है सड़क पे, वो सड़क के इस पार जो एक ड्रेन है उससे कनेक्ट होना चाहिए। तो उस ड्रेन से कनेक्ट होने के लिए जो है PWD से हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि तथाकथित तौर पे पिछले 6 महीने से PWD विभाग द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पे अभी जो है PWD के जो लोकल JE है उनको बुलाया गया है ताकि वो जल्द से जल्द जो है NOC उपलब्ध करा सके ताकि इस पे जो है निर्माण कार्य शुरू हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामवासियों ने चुनाव को बहिष्कृत करने का भी निर्णय लिया है और यहाँ पे साफ बोर्ड लगाया गया है कि अगर कोई भाजपा नेता या सांसद विधायक या कोई अन्य अधिकारी आता है बिना हमारी समस्याओं का समाधान किए तो उसे जूतों की मालाओं को पहनाकर और यहाँ से भेजा जाएगा। इसके अलावा ग्रामवासियों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी समस्याएं होती होंगी जो इस तरह का गुस्सा फूट रहा है। बलरामपुर के छोटा दुसहा से मैं युगेंद्र पाटिल।